हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमआईएस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पावर पॉइंट में नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कि जो हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसके अलाइनमेंट्स को कैसे सेट किया जाता है, उसको लेफ्ट में कैसे रखा जाता है, बॉटम राइट इन सब में कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैटर लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वेलकम टू भोपाल। क्लिक कर लीजिए, है ना। फॉर्मेट लिखना है हमें, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है अलाइन। क्लिक करेंगे, इसमें लेफ्ट सेंटर राइट टॉप मिडिल बॉटम ये दिए हुए हैं, लेफ्ट में रखना है। ये देखिए लेफ्ट में चला गया हमारा मैटर, सेंटर पे सेंटर में आ गया, राइट राइट में आ गया। इसके बाद टॉप में रखना चाहते हैं आप, टॉप पे क्लिक कर दीजिए। बॉटम में रखना चाहते हैं तो बॉटम पे क्लिक कर दीजिए। मिडिल, यहाँ से ये मिडिल आ जाएगा, ठीक है। यदि आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के द्वारा हम कर सकते हैं। इसके बाद व्यू ग्लाइड लाइन, ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी लाइन दिख रही है आपको, ग्रिड लाइन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से व्यू से ग्रिड लाइन भी आ सकती हैं, आप यहां से हटा देंगे तो ये हट जाएंगी। इनकी सेटिंग स्पेसिंग नॉर्मली इतनी है, हम चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा हमें करना हो। ये देखिए इस टाइप से हटाना चाहते हैं तो इसे अपन हटा सकते हैं। व्यू के चेकबॉक्स को हटा दीजिए तो यहां से ये जो आपकी ग्रिड लाइन होंगी वो यहां से हट जाएंगी। इसके बाद है, यदि आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप ये स्टेप्स रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पर। ये रोटेट, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, स्टेप से क्या हो जाएगा आपका, रोटेट हो जाएगा। इसके बाद एक न्यू स्लाइड ले लीजिए, प्लान पिक्चर जैसी हमें चाहिए। यहाँ पे हम शेप को ड्रॉ करेंगे, दो शेप कोई से भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे रेक्टेंगल शेप ले लेती हूँ इस टाइप से। अभी देखिए क्या हो रहा है, ये शेप है, ये दोनों अलग अलग हैं, इसकी अलग अलग मूव हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शेप हो रहे हैं वो एक साथ मूव हो, तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप चाहें तो अपने हिसाब से। ये जो शेप है वो कैसे हो, दोनों एक साथ मूव हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, माउस पॉइंटर को पेज पे रखेंगे और वहां से पूरा ये ऑब्जेक्ट अपन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हो गया, इसके बाद कहां जाएंगे, फॉर्मेट पर, ठीक है। ये लिखा हुआ है ग्रुप, ग्रुप में हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ग्रुपिंग हो गई। अब ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, जो ये आपके ये पिक्चर्स हैं, वो कैसी होंगी, पूरी एक साथ ही मूव होंगी। आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, शेप चाहें तो इनको फिल कर सकते हैं, इसमें पिक्चर्स लेके आ सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से इनमें इफेक्ट चाहें तो डाल सकते हैं, जो इफेक्ट आप डालेंगे उस टाइप से इफेक्ट भी आएगा इसके अंदर, है ना। अब ये ग्रुप बन गया, इन्हें अनग्रुप करना है। तो अनग्रुप के लिए वापस मैटर को सेलेक्ट करना है आपको और फॉर्मेट पे जाके, ग्रुप पे जाके इन्हें अनग्रुप करना है। तो ये क्या हो जाएंगे, वापस आपके ऑब्जेक्ट जो हैं वो अनग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है कि यदि हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है। डिज़ाइन टैब से, यहाँ से तो आपको पता है कि हम स्लाइड्स का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इस स्लाइड को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। बट इसको यदि इसका बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना है हमें तो क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिख रहे हैं आपको इस टाइप से, यहाँ से भी हम ले सकते हैं या फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करके, ठीक है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया है सॉलिड फिल, ग्रेडियंट, पिक्चर टेक्स्चर, हाईलाइट बैकग्राउंड्स। तो हम इस ये रेडियो बटन में से सॉलिड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कलर लेंगे, जो कलर आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं आप। ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको लाइट चाहिए लाइट कर लीजिए, थोड़ा डार्क नॉर्मल जो रखना है, या फिर ये पॉइंट्स के द्वारा परसेंटेज में भी आप इसको ले सकते हैं। ग्रेडियंट फिल में क्या होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग कलर मिलेंगे, यहाँ से कलर आप उसकी गहराई में चेंज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर रखना है, जैसा भी रखना है।
डायरेक्शन कैसा रखना है आपको, इस टाइप से उसकी डायरेक्शन दे सकते हैं ना। स्टॉप कितने टाइम पे करना है, और कुछ ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कलर चेंज करना है हमें, हम कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसमें ये रख लेती हूँ इस टाइप से, तो इसमें ये अच्छा दिखेगा। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना चाहते हैं आप, इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप अपने बैकग्राउंड पे पिक्चर ले या टेक्सचर लेके आना चाहते हैं तो इस पिक्चर वाले पे क्लिक करेंगे, है ना। ये पिक्चर वाला खुल गया, आपका पिक्चर ऑप्शंस खुल गया। यहाँ से आप यहाँ से टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, जिस टेक्सचर पे आप क्लिक करेंगे वो टेक्सचर आपकी साइट पे की बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाए। देखिए जैसे ये हो गया। पिक्चर लेके आना चाहते हैं तो आप या तो क्लिप आर्ट से भी लेके आ सकते हैं, किसी भी प्रकार की पिक्चर जो आपको अच्छी लग रही हो, या आपके पास पहले से बनी बनाई हो या आपने इंसर्ट की हो, तो यहाँ पे आपको फाइल पे क्लिक करना है और लोकेशंस में जाके जिस लोकेशन में आपकी पिक्चर सेव है उस पर क्लिक करके आप पिक्चर इंसर्ट करा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, लेफ्ट में कितनी छोड़ना है आपको, राइट में कितनी छोड़ना है आपको, बढ़ा है टॉप से कितना रखना है, बॉटम से कितना रखना है, बढ़ाना घटाना ये सब हम चेक कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी ये भी सेट कर सकते हैं हम। देखिए चेंजेस, हल्का हल्का चेंजेस हो रहा है, ये देखिए इस टाइप से देखें, ये इस टाइप से कितना लाइट करना चाहते हैं हम, कितना डार्क करना चाहते हैं, इस टाइप से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। हाइट करना है हम हाइट भी कर सकते हैं उसको, बैकग्राउंड को आपकी जो भी हमने यूज़ किया है वो सब हाइट हो जाएगा। यदि आप को लग रहा है कि सब चीज़ें सही हैं तो आप इसको अप्लाई टू ऑल सेट पे क्लिक कर दीजिए, या फिर रीसेट बैकग्राउंड भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि हमें इसमें चार्ट को इंसर्ट कैसे करना है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे, पहले हम नई स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इन सॉल्यूशंस जो आपका है पार्ट उसमें आपको मिलेगा चार्ट, चार्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए ये चार्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया हमारे सामने। तो जो लेफ्ट पैनल रहेगा उसमें कैटेगरीज रहेंगी आपकी, और जो राइट पैनल रहेगा उसमें हमें हमारे पूरे चार्ट्स के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, ये स्टेप। और यहाँ से हम किसी भी राइट पैनल से चार्ट का प्रीव्यू देख सकते हैं, लाइन चार्ट कैसा दिखाई देगा, पाई चार्ट कैसा रहेगा, बार चार्ट कैसा रहेगा, एरिया चार्ट कैसा रहेगा ना। और जिस भी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे उसको करेंगे हम ओके। जैसे वो करेंगे हमारे सामने दो विंडो खुल जाएंगी, एक हमारी पावर पॉइंट की, दूसरी स्प्रेडशीट की। ठीक है, एक स्प्रेडशीट रहेगी, दूसरी हमारी पावर पॉइंट रहेगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारा सोर्स डाटा कहलाएगा, ये बात। इसे हम अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं, या हमें मैटर चेंज करना हो मैटर चेंज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अदर डालनी हो तो इन्फॉर्मेशन को अदर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, इसे कैटेगरी लिख देते हैं अपन यहाँ पर, कैटेगरी फाइव डाल देते। कैटेगरी फाइव डाली, देखिए आपके यहाँ पे चार्ट पे कैटेगरी फाइव इंसर्ट होगी। अब सीरीज फर्स्ट में कितना रखना है हमें, मान लीजिए ऐसे मैं रख लेती हूँ यहाँ पे फाइव, ये फाइव का इंसर्ट हो गया। सीरीज फर्स्ट जो है वो आपकी येलो कलर शो हो रही है तो उसमें फाइव हो गया। सेकेंड सीरीज यदि रखना है हमें तो हम रख लेते हैं 4.8 रख ली मैंने, 4.8 की सीरीज़ आ गई। यहाँ पे मैं वन रख लेती हूँ, थर्ड सीरीज़ में वन रख लिया। तो ये देखिए ये हमारी फिफ्थ जो कैटेगरी थी वो इसके अंदर इंसर्ट हो गई। यदि हम इसे चेंज करना चाहते तो चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, आप में हमें जो कैटेगरी है वो लाइन चार्ट चाहिए यदि, तो लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो लाइन चार्ट आ जाएगा हमारा, उसमें कलर्स मिलेंगे आपको। आप अपने हिसाब से कलर्स रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, डाटा को यदि एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके यहाँ से डाटा को एडिट कर सकते हैं, कुछ और भी ऐड करना है उसमें डाल सकते हैं हम। ठीक है, सेव करना चाहते हैं तो आप इस टेम्पलेट को सेव भी कर सकते हैं अलग से। ठीक, टाइम डेट आपको शो करानी है, डाटा का जो डेट रेंज है आपको चेंज करना है आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से।